दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी से हुई थी। इन्हें लगता है कि इस्लाम की बुनियाद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया था, ना कि उसकी बुनियाद रखी थी। दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इस्लाम है और आदम अलैहिस्सलाम ही इस्लाम के पहले नबी हैं। दोस्तों रसूलुल्लाह से पहले कई सारे नबी आए थे, लेकिन वो इस्लाम को नहीं फैला पाए जिस तरह हमारे नबी ने इस्लाम को फैलाया था। दोस्तों रसूलुल्लाह से पहले ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सारे अल्लाह के भेजे हुए नबी थे। और इन सारे नबियों में सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं। और यही सच्चाई है कि इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से हुई थी। ये सारी अफवाहें सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए होती हैं।